हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना CHSL 17 मार्च को जो आपका पेपर हुआ था उसमें मैथ का सेशन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस उसमें आए थे वो हम डिस्कस करते हैं विद सॉल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन था, इफ ए एंड बी कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 15 एंड 20 डेज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, इफ दे वर्क फॉर 4 डेज देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आपका दे रखा है, ए जो है ये काम करता है 15 दिन में कंप्लीट, बी जो है अपना काम करता है 12 डेज में कंप्लीट। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम नियर बाय मल्टीपल इन दोनों का कौन सा है जो दोनों से ही मल्टीप्लाई हो जाए, दोनों से कट जाए, वो है 60। 15 4 जा 60 एंड 12 5 जा 60। अब क्या दिया हुआ है आपका, ए की एफिशिएंसी निकल गई है 4 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी निकल गई है 5 यूनिट्स। ठीक है, इफ दे वर्क फॉर 4 डेज, ए और बी जो है ये मिलके कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 5, ये हो गया आपका 9। 9 यूनिट्स कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए काम करेंगे, तो 9 4 जा 36, ये इन्होंने यूनिट्स काम कर लिया है। बाकी पूछा है कि कितना काम, कितना परसेंटेज ऑफ वर्क लेफ्ट है, तो कितना काम बच गया आपका, 60 माइनस में 36 कितना हो गया, ये हो गया आपका 24। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ वर्क पूछा है तो ये तो लेफ्ट आउट वर्क हो गया जो बचा है, बाकी अगर परसेंटेज पूछी जाए तो वो कैसे निकालेंगे, जो काम बचा है अपॉन में टोटल काम जितना है इनटू में 100 आप कर दीजिए, तो ये आपका निकल गया 40% एंड 40% इज योर लेफ्ट वर्क। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉट थीटा इज इक्वल टू 80/39, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉट थीटा की आपको वैल्यू दे रखी है जो कि है 80/39। चलिए कैसे करेंगे इसको, कॉट थीटा आपको पता है क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा। ठीक है, टैन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ओके, ये जो है आपका ये 80/39 इसकी वैल्यू दे रखी है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ये एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे हम, इसमें परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 39, बेस कितना दे रखा है 80, तो ये 80 एंड 89 ये बनते हैं आपके ट्रिपलेट्स। ओके, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 89, अगर आप यहाँ पर मेथड भी लगा के करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे तो भी आपका 89 आएगा। ठीक है, ट्रिपलेट्स को लर्न करना है आपको, 39 80 एंड 89। देन कोसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है आपका, साइन का। ठीक है, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो कि 89/39 ये है आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5, 6 एंड 7। ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं 5, 6 और 7, आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे आप एरिया इसका, देखिए ये ट्राइंगल है आपका 5, 6 एंड 7, स्केलिंग ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें एरिया कैसे निकलेगा, आपको इसका निकालना पड़ेगा सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा सेमी पेरीमीटर आपका, ये टोटल करके 5 प्लस 7 प्लस 6 अपॉन में 2, 18/2 जो कि है आपका 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। अगर आपको एरिया निकालना है, आपसे एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी ए बी सी क्या है आपके, एस है आपका सेमी पेरीमीटर और ए और बी और सी है आपकी साइड। एस इंटू एस क्या है आपका 9, 9 माइनस 5 9 माइनस 6 एंड 9 माइनस में 7, इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर एरिया निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, उसकी आपको हाइट दी हुई है। यहाँ पर इक्विलेटरल क्या होता है आपका, जिसकी चारों तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं,
तीनों साइड्स इसकी जो है बराबर होती हैं, इसकी हाइट जो है, हाइट ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये देखिए आपको 12 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है आपसे, इसका निकालना है आपको साइड और एरिया। हाइट दी हुई है तो साइड कैसे निकालेंगे, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है रूट 3/4a², ये है आपके एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, इक्विलेटरल का, एंड √3/2a ये है आपका हाइट, ठीक है, इससे निकलती है आपकी हाइट, और इसमें a क्या है, a है आपकी साइड। इक्वेट कर दीजिए आप, √3/2a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 24/√3। अब √3 × √3 कर लें आप, रैशनलाइज हो जाएगा ये 24√3/3, 8√3 जो है आपकी ये आ जाएगी साइड, ठीक है। 8√3 जब आपकी साइड आ गई है तो इससे आप एरिया कैसे निकाल लेंगे, √3/4a² करके, a जो है आपकी 8√3 है, इसका स्क्वायर करके आप इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द सर्कल हैज अ कोर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, एक सर्कल हम बनाएंगे, उसमें अंदर कोर्ड दी हुई है आपको 24 सेंटीमीटर लेंथ की, ठीक है, इसकी लेंथ है आपकी 24 सेंटीमीटर, इस कोर्ड का नाम दे देते हैं ए और बी, 24 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब आगे क्या बोलता है, एक परपेंडिकुलर, आपने देखा होगा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम आपका 17 मार्च के में, अब परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ नहीं है ये सर्कल है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल फॉल्स ऑन द कॉर्ड, ये कॉर्ड पे फॉल करता है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर पहले रेडियस पूछा था सब में, किसी ने डायमीटर पूछा था, इसमें पूछा है एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ओके। चलिए आपको पता है जब भी सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर आपकी कॉर्ड पे गिरता है तो वो कॉर्ड को कितने भाग में डिवाइड कर देता है, 2 equal parts में डिवाइड कर देता है, तो ये हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर एंड ये भी हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ओके। जब ये 12 है आपको पता है ट्रिपलेट्स लगा के या फिर हाइपोटेन्यूज क्या कहते हैं उसको थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से आपकी जो ये साइड आएगी हाइपोटेन्यूज आएगा वो होगा 13 सेंटीमीटर, 5, 12 and 13, ये भी आपके ट्रिपलेट्स हैं। पूछा क्या गया है आपसे, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, तो 22/7 रेडियस हमने निकाल लिया है 13, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रेडियस हो गया है 13 × 13, ये है आपका एरिया, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका अ कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर आर इन अ रेशियो ऑफ 7:9, कॉस्ट ऑफ टेबल इज 560, फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर, जो आपकी टेबल और चेयर की कॉस्ट है ये आपको किस रेशियो में दे रखी है, 7:9 की रेशियो में, ठीक है। टेबल की कॉस्ट आपको दे रखी है 560, देखिए आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 7 × कितना हो जाता है 560, 7 × 80 करेंगे, 7 × 8 = 56 होता है ना, 7 × 80 = 560, तो 9 × 80 कितना हो जाएगा आपका 720, तो ये है आपकी कॉस्ट ऑफ चेयर। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आएगा और आपको उससे करना है अपने मेथड से, तो आप कैसे कर सकते हैं, एक 7x ले लीजिए, एक 9x ले लीजिए, ठीक है। 7x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 7x की वैल्यू आपको दे रखी है 560, यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लें, 560/7 दैट इज 80, ठीक है, इस 80 की जो वैल्यू आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, तो 9x में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 × 80 दैट विल बी 720, ओके, ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ चेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है, बाकी है आपका पेरीमीटर दिया हुआ है 730 एंड लेंथ और ब्रेथ आपको इंडिविजुअली निकालनी है, ओके, कैसे करोगे आप ये क्वेश्चन, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए 2 × L + B, ओके, या तो आप x मान के कर लो या फिर डायरेक्ट भी कर लो, तो 2 × 3x + 2x आप ले लें, 2 × 5x कितना दे रखा है ये 730, तो 5x = 730/2, x = 730/10, तो डेट इज
73 जो है आपका x की वैल्यू निकल आई है। इस x की वैल्यू को आप पुट कर दें 3x, 3 इंटू 73 और 2 इंटू 73, ये हो जाएगी आपकी लेंथ एंड ये हो जाएगी आपकी ब्रेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था a3 + b3 = 35, a + b = 5, 1/a और 1/b आपको निकालना था, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। a3 + b3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 35, a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। या तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें, ठीक है, या लॉन्ग मेथड से करें, वरना आप कैसे भी कर सकते हैं। इसको देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा a + b, हम इसमें 2 और 3 रख के देखते हैं दो वैल्यूज, क्योंकि a + b को ऐड करने से 5 आना चाहिए, ठीक है। 5 कैसे कैसे आएगा, या तो आप 2 और 3 ले लें, राइट, या आप 1 और 4 ले लें। और कोई पॉसिबिलिटी है 5 आने की बताइए, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो देखिए अगर हम 4 का क्यूब कर लें, 4 4 16 16 4 64, है ना, 64 प्लस अगर 1 करें तो ये 35 ये वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 3 9 9 3 27, a3 + b3, 2 का क्यूब कितना होता है 4 4 2 2 4 4 4 16, अब क्या ये 35 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका 2 और 3 ये वैल्यू जो है आपके इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। तो 1/a + 1/b की वैल्यू होगी 1/2 + 1/3, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 1/5 ये आपको दिया हुआ था, 1/5 ऑफ 3/8 ऑफ 1/3 ऑफ 11760, इसकी आपको जो है वैल्यू निकालनी थी क्या होगी। ऑफ का मतलब आप सभी को पता है 1/5 मल्टीप्लाई होता है इंटू 3/8 इंटू 1/3 इंटू 11760, इन सबको आप काट लीजिए, काट पीट के आपकी वैल्यू आ जाएगी 294, ओके। चलिए एक क्वेश्चन था आपका कि एक आपको ये दो लाइंस दी हुई थी, ठीक है, और बोला गया था कि एक ट्रेन है, दो ट्रेन्स हैं आपकी, एक इस डायरेक्शन में जाती है 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड से और एक इस डायरेक्शन में जाती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। अब पूछा क्या गया था कि आफ्टर 20 सेकेंड्स के बाद जो है इन दोनों ट्रेन्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेकंड्स के बाद कितना डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए पूछा किस में गया है, सेकंड्स में, आपकी स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आर, और ठीक है अब इसको आपने क्या करना है मीटर पर सेकंड में, सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए, 72 × 5/18 करते हैं मीटर पर सेकेंड में करने के लिए कन्वर्ट, तो यहाँ पर आ गया आपका 20, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और ऊपर भी आप यही करिए, 54 × 5/18 कर लीजिए एंड योर आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए, यहाँ पर 15 है, यहाँ 20 है, तो कौन सा ट्रिपलेट बनेगा 15 20, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25, ठीक है। अब इसमें पूछा कितना है कि आपकी जो है स्पीड बतानी है आपको, कितना डिस्टेंस कवर किया इन्होंने 20 सेकंड्स में, ठीक है, 20 सेकंड्स पूछा है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर आपकी ये स्पीड आ गई 25 × 20 स्पीड इंटू टाइम, ओके, तो डिस्टेंस आपका कवर किया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 500 मीटर्स का। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं और क्या क्वेश्चन इसमें जो है आया था आपके एग्जाम में। देखिए एक क्वेश्चन था आपका, इफ x = √2 + 1, आपको निकालना था √x + 1/√x, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वरना एक इजी तरीका जो है आप क्या करें, √x + 1/√x का जो है स्क्वायर निकाल लीजिए, होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा x + 1/x + 2, ठीक है। अब इसमें कैसे निकलेगा ये, यहाँ पर
ये सारा सॉल्व करके आपको आ जाएगा रूट टू प्लस वन प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन प्लस में टू। इधर आप जब आएंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी टू प्लस वन प्लस टू रूट टू प्लस टू रूट टू प्लस टू अपॉन में रूट टू प्लस वन। ठीक है, सबको अगर इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा फोर प्लस फोर रूट टू अपॉन टू रूट प्लस वन। ठीक है, सॉरी एक यहाँ पर वन भी है, ठीक है आपका वन भी है यहाँ पर वन प्लस, तो ये आएगा फाइव प्लस फोर रूट टू अपॉन रूट टू प्लस वन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी जो है एक मिस्टेक हो गई है, हम इसको दोबारा करके देखते हैं सॉल्व कि मुझे लग यहाँ पर छोटी सी जो है आपकी गलती हो गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है इस तरीके से आएगा रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन। ठीक है, रूट टू प्लस वन आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, मैं आपको पूरा करके बता रही हूँ, वैसे यहाँ पर आप खुद भी निकाल सकते हैं ये आंसर, प्लस टू रूट टू प्लस वन प्लस टू रूट टू प्लस में टू अपॉन में रूट टू प्लस वन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे के रूट में नहीं छोड़ते तो आप नीचे रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज कैसे करेंगे, इनटू रूट टू माइनस वन अपॉन में रूट टू माइनस वन, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा सिक्स प्लस फोर रूट टू अपॉन में रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन टू रूट टू माइनस वन। आंसर आ जाएगा आपका, नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू माइनस वन इज टू वन। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा सिक्स रूट टू माइनस सिक्स प्लस एट माइनस फोर रूट टू। आप पहले भी रैशनलाइज कर सकते थे लेकिन हमने लास्ट में किया रैशनलाइज, तो ये आपका आंसर है टू रूट टू प्लस टू, दैट इज अगर आप इसको कॉमन निकाल लें रूट टू प्लस वन। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आपके आए हुए थे इसमें। चलिए एक क्वेश्चन था आपका इसमें x प्लस वन बाय एक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टेन, आपसे पूछा गया था एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब आपको निकालना था। ये आपको पता ही फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है एन क्यूब माइनस थ्री एन। ठीक है, एन क्यूब माइनस थ्री एन और एन क्या है, ये वाली वैल्यू टेन, तो ये कैसे हो जाएगा थाउजेंड माइनस में थ्री इंटू टेन थर्टी, द आंसर इज नाइन सेवेंटी। अब जिसको नहीं आता वो आइडेंटिटी लगाए और ओपन करें इसको, ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ आप इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स, कितना दे रखा है एक्स प्लस वन बाय एक्स, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये दे रखा है आपको टेन, तो थाउजेंड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स से एक्स कट जाएगा प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको टेन, यहाँ पर जो है थर्टी चला जाएगा आपका, थाउजेंड माइनस थर्टी इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू एंड योर आंसर विल बी नाइन सेवेंटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सबको समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और था आपका, आपको प्रिंसिपल दे रखा था। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा था आपको एट थाउजेंड एंड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट पर एनम। ठीक है, बाकी इसमें क्या कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना था, सीआई निकालना था ऑफ 18 मंथ्स का, 18 मंथ्स का सीआई निकालना था कंपाउंडेड मंथली, बच्चे बोल रहे मंथली, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा आपका, 8000 इंटू वन प्लस, ये देखिए 6.5 कर लीजिए अपॉन में 12 इंटू 100 कितने उसका था ये 18 माइनस में ये हो जाएगा वन, और इस तरीके से ये जो है इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और था वो डिस्कस था, एक था आपका टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा
माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। फिर ये आपसे पूछा गया था कि आगे जो है ये क्वेश्चन था, आपको x की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये था आपको क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो किस तरीके से हम x की वैल्यू निकालेंगे, हम इसमें 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 यहाँ ले जाएंगे, 1 प्लस 1, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 बाई 2 दैट इज 1, ठीक है। साइन स्क्वायर x जो है आपका 1 कब होगा, साइन x आपका कितने पे 1 होता है, जब आप साइन का बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से बनाते हैं, साइन 90 पे आपका 1 आता है ना, ये साइन 90 पे 1 आएगा, 4 बाय 4 कटा 1 साइन 90 पे, अब उसको स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही होगा, तो x की वैल्यू जो है ये आपकी आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था या नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था आपका, और वो ये था x माइनस वाई, यहां लिख देती हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 60। आपको निकालना क्या था इसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको इसमें निकालना था। ये किस तरीके से आप करेंगे, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको 6 दे रखा है, ठीक है। या तो आप ऐसे करें कि डायरेक्टली जो है इसमें एज्यूम करके देख लें, किस तरीके से एज्यूम करेंगे, कितने में से कितना गया कि 6 आ जाए आपका, बताइए। आप कुछ भी एज्यूम करके देख लें, छोटी वैल्यू को इस तरीके से कि जो उनका स्क्वायर है उसको माइनस करके भी जो है 60 आए, अदरवाइज आप क्या करें, देखिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 60 दे रखा है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये 60, ठीक है। एक्स प्लस वाई जो है ये निकल आएगा आपका 10, कैसे 60 अपॉन में 6 आपका 10 निकल आएगा। अब आप पूछेंगे ये कैसे निकल के आया आपका, ये ऐसे निकल के आया क्योंकि जब हमने वैल्यू माइनस वाई की जो हमने जब वैल्यू पुट करी है तो उसमें ये अंडर आ जाएगा, और फिर इस तरीके से इसमें जो है आपका 10 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x प्लस वाई की आपको वैल्यू पता चल गई, x प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई 10 है, x माइनस वाई की वैल्यू आपको पता है 6 है, इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करिए, ऐड करिए, 2x की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी 16, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 16 बाय 2 कितना 8, सिमिलरली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x 8 है तो y कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा किसकी वैल्यू गई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर लीजिए, 8 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो आपका आंसर आएगा 520 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगा आपका सेंटीमीटर नहीं 520, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। बाकी ये सारे क्वेश्चन थे आपके जो आपके एग्जाम में आए थे, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन और था जो आपका बना था, वो आया था आपका साइन थीटा की जो है आपको वैल्यू दी हुई थी, साइन थीटा, साइन थीटा की आपको वैल्यू दी हुई थी 3/4, एंड आपको साइन 3 थीटा की वैल्यू आपको जो है निकालनी थी, ठीक है। साइन 3 थीटा की आपको वैल्यू निकालनी थी, तो ये आप कैसे निकालेंगे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, साइन 3 थीटा कहता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही आप कॉस थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए, कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा होता है आपका 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, ओके। अब क्या करेंगे हम, इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए साइन 3 थीटा के फॉर्मूला में, 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है इंटू 3/4 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा 3/4 का होल क्यूब, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चंस आपके जो पेपर में आए थे, आई होप दे आर क्लियर टू यू, एंड जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। टिल देन गुड बाय।